लॉकडाउन का असर सिर्फ गंगा में की पानी में नहीं दिखने को मिल रहा है, बल्कि बाकी जो नदियां हैं उन नदियों का पानी भी साफ हो चुका है। लोग वहां नहीं जा रहे हैं और उसका सीधा असर जो नदियां हैं उनकी निर्मलता पर पड़ी है। सर, कैसा आखिर ये जो रीजन है इसका क्या क्या सिर्फ गंगा ही की बात करें या फिर दूसरी नदियों का भी यही हाल है? नहीं, दूसरे नदियों की, यमुना की बात कर लीजिए। वो यमुना जो यमुनेत्री से निकलती थी और इलाहाबाद में मिलती थी, दिल्ली के किनारे यमुना की क्या स्थिति थी? केवल झाग दिखता था यमुना के पानी में, वो यमुना भी साफ दिख रही है। और देश की 70% नदियाँ जो प्रदूषित हो गई थी, जब 532 नदियों का सर्वे कराया गया था तो करीब करीब 360-370 नदियाँ ऐसी थी जो बिल्कुल प्रदूषित हो चुकी थी। अभी उसका देखा जाए तो, अगर उसके पानी को देखा जाए तो, जिस तरह से गंगा के पानी को हम लोग देख रहे हैं कि निर्मल हुआ है, स्वच्छ हुआ है, ये न केवल देखने में बल्कि अगर इसके BOD को देखा जाए, उसके ऑक्सीजन डिमांड को देखा जाए तो ये बढ़ता हुआ मिल रहा है। अगर इसके टोटल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया को देखा जाए तो वो काफ़ी घटा है। तो इस तरह से जितनी नदियां जिसको हमने चौक कर दिया था कोरोना वायरस की वजह से, हम लोग अपने फेफड़े को तो बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन प्रकृति ने जो हमें नदियां दी हैं, जो जल दिए हैं, उनके फेफड़ा स्वतः प्रकृति ने साफ किया। और शायद जब उनके फेफड़े साफ हुए हैं तो उसका लाभ हम सब मनुष्यों को मिलेगा, सब मानव समुदाय को मिलेगा। ये एक तरह से लॉकडाउन के पीरियड में एक हमारे लिए सीख है। बिल्कुल, ये हमारे लिए सीख है और सीख इस बात को लेकर के सिर्फ योजनाएं बनाने से नहीं होती है। जिस तरीके से आज लॉकडाउन के पीरियड में गंगा सहित तमाम नदियों का पानी साफ हुआ है, उससे तो ये बिल्कुल बड़ी सीख मिली है कि आगे भी इस तरीके की अगर हम निर्मलता पर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा भी हमें ज़रूर मिलेगा। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, News24।